फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका की हाई थिंकिंग में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हमेशा ठीक रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल मटर पनीर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ढाबा स्टाइल मटर पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ प्याज और टमाटर का पेस्ट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम प्याज का पेस्ट बनाएंगे। तो अब मिक्सर ग्राइंडर में चार छोटे साइज के मोटे टुकड़ों में कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। अब इसमें चार हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब इसमें 10 से 12 लहसुन ऐड करेंगे। थोड़े से मोटे टुकड़े में कटे हुए अदरक ऐड करेंगे। थोड़ी सी फ्रेश धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो प्याज वाला पेस्ट हमारा बनके रेडी हो गया। प्याज के पेस्ट को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अब इसी मिक्सर ग्राइंडर में दो रफली चॉप किए हुए टमाटर ऐड करेंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून दरदरी कुटी हुई मूंगफली ऐड करेंगे। अब इसका भी हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब गैस के ऊपर एक पैन चढ़ाएंगे, इसमें 3 टेबल स्पून सरसों का तेल ऐड करेंगे। जब तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें 7 से 8 काली मिर्च ऐड करेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे, 2 तेज़पत्ता ऐड करेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे। जब जीरा थोड़ा सा चटकने लगे तो इसमें प्याज और धनिया की पत्ती वाला पेस्ट ऐड करेंगे। प्याज का पेस्ट ऐड करने के बाद अब इसे हम चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। तो प्याज का पेस्ट भी अच्छे से हमारा भून गया है। अब इसमें टमाटर वाला पेस्ट ऐड करेंगे। पेस्ट ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से चलाएंगे। उसके बाद हम लिड से कवर करके इसे 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे और गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। तो टमाटर का पेस्ट भी हमारा अच्छे से भुन गया है। अब इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी रेड चिली पाउडर डालेंगे। अब मसालों को चलाते हुए ऑयल रिलीज होने तक भुनेंगे। मसाले हमारे थोड़े से भुन गए हैं। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे। अब फिर से सॉल्ट को मिक्स करेंगे और मसालों को भून लेंगे। तो मसालों ने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें मटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 50 ग्राम फ्रेश मटर ऐड किया है। अब मटर को हम अच्छे से मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें 1.5 कप पानी ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मटर पनीर की ग्रेवी कैसी रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप पानी ऐड कर सकते हो। तो पानी ऐड करने के बाद इसे मिक्स करेंगे, फिर लिड से कवर करके इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। जब तक हमारी ग्रेवी रेडी होगी तब तक हम पनीर को कट करके सैलो फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है। इसे मोटे मोटे टुकड़ों में स्क्वायर कट कर लेंगे। तो पनीर को मैंने कट कर लिया है। अब गैस के ऊपर एक नॉन स्टिक पैन रखेंगे। इसमें थोड़ा सा बटर डाला है मैंने, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद हम पनीर को ऐड करेंगे। अब चिली पाउडर को थोड़ा सा बटर में मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम पनीर ऐड करेंगे। तो पनीर को मिक्स करते हुए हल्का ब्राउन होने तक सैलो फ्राई करेंगे। तो पनीर भी हमारा लाइट ब्राउन हो गया। अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब ग्रेवी में 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पनीर ऐड करेंगे। पनीर ऐड करने के बाद इसे मिक्स करेंगे और फिर इसे 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो ढाबा स्टाइल मटर पनीर बनके हमारी रेडी हो गई। अब इसमें चॉप धनिया की पत्ती ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो मटर पनीर को एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और इसे हम चपाती के साथ, रायते के साथ और सैलड के साथ सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरे ढाबा स्टाइल मटर पनीर की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जो साइड में बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो मटर पनीर में मूंगफली ऐड करने से इसका टेक्सचर जो है क्रीमी होता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ।